हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक बुक जो कि प्रीलिम्स के लिए है, 26 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर वन पेपर टू। ये मुन्नाल सर के द्वारा लिखी गई है और दिशा पब्लिकेशन के द्वारा प्रिंट हुई है। इसमें क्या क्या चीज़ है अगर हम बात करें तो एनालिटिक अप्रोच टू क्रैक यूपीएससी अप्रोच के बारे में इन्होंने बताया है। एनालिसिस ऑफ सी सेट 2013 से 2020 तक पेपर वन पेपर टू 100% ऑथेंटिक एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन 4,440 प्लस क्वेश्चंस जो कि डिवाइड हैं 52 टॉपिक्स में। कट ऑफ है 7 इयर्स का प्रीलिम्स का और मेंस का। हाउ टू अटेम्प्ट आईएएस मेंस क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन के बारे में इन्होंने बताया कैसे अटेम्प्ट किया जाए और एसे के बारे में बताया। अगर हम इस बुक के पीछे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इन्होंने MRP दी हुई है और यहाँ पर वाई शुड यू बाई दिस बुक बाई मोनाल इन्होंने ये लिखा हुआ है। और अब हम चलते हैं, बुक को ओपन करते हैं। तो इन्होंने कंटेंट में बताया है, प्रीफेस में इन्होंने बताया है कि यूपीएससी प्लानर एंड स्ट्रेटजी बाय मुनाल सर के द्वारा स्ट्रेटजी आपको बताई गई है। एनालिटिक अप्रोच टू क्रैक यूपीएससी सीएससी बताया गया। उसके बाद यूनिट ए में हिस्ट्री के बारे में है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में है। यूनिट टू में जियोग्राफी है, जिसमें इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी है। टॉपिक्स इस तरह कवर किए गए हैं कि फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर। अब अगर यूनिट थर्ड की बात करें या सी यूनिट की बात करें हम, तो पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी है, जुडिशरी एंड लीगल राइट्स इशू एक्सेट्रा। तो इसी तरह यूनिट्स में आपको डिवाइड कर दिया गया। इकोनॉमी की अलग यूनिट है, जनरल साइंस इकोलॉजी की अलग यूनिट है, मेंटल एबिलिटी जिसको हम सीसैट कहते हैं वो अलग यूनिट है, जनरल नॉलेज की एक अलग यूनिट है, करंट अफेयर्स की यहाँ अलग यूनिट है, और एसे और मेंस को इन्होंने अलग यूनिट में डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया है पूरा डिटेल प्रीफेस में जो हमने भी बताया आगे। उसके बाद स्ट्रेटजी ये बहुत अच्छी लगी मुझे कि मंथ वन में आपको क्या क्या कवर करना, जैसे कि इकोनॉमी प्रीलिम्स प्लस मेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रीलिम्स प्लस मेंस, ऑप्शनल और एथिक्स GS4 जो कि है इसको मंथ वन में कवर करना है, मंथ टू में भी वही चीज़ सेम कवर करना है और मंथ थ्री में भी वही चीज़ सेम कवर करना है, मंथ फोर एज वेल। मंथ फाइव में आपकी स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज की है, सिक्स में चेंज की है और सेवन में। देख रहे हैं इसको कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है, मतलब 10 मंथ्स में आपको पूरा UPSC कवर करने की एश्योर्ड गारंटी दे रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने लेडर के स्टेप में समझा के बताया है कि हाउ टू अचीव योर गोल। फिर इन्होंने एनालिटिक अप्रोच है, अब आगे अगर हम चलें वही सब है। सिलेबस डिवाइड, सिलेबस के बारे में बता दिया, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे आगे फिर साइंस का सिलेबस है, पॉलिटी का है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटल बताया है इन्होंने। जनरल स्टडीज पेपर 1 to 4 में क्या क्या सिलेबस होता है, हिस्ट्री में, सोशल साइंस में, जियोग्राफी में, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस में, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, साइंस टेक। इसी तरह इन्होंने फिर पर्सनालिटी टेस्ट में बताया इन्होंने। अब जैसे हम पहले टॉपिक यूनिट ए में हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट की बात करें, तो एंशियंट हिस्ट्री में इन्होंने जैसे ये क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वाज फर्स्ट यूज बाई। अब इन्होंने जैसे ये क्वेश्चन है तो अगर हम इसके ऑप्शन चार दिए हैं, अब 1995 में ये क्वेश्चन आया है, अब अगर हम इसके आंसर पे जाते हैं तो आंसर देखिए डी है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, द नेम ऑफ इंडिया इज करप्शन ऑफ द वर्ड सिंधु, सिंधु इज द नेम ऑफ हिंदी रिवर मेंशनड इन द ऋग वेद, नेबरिंग अरब्स, ईरानियंस। मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन को इन्होंने कितने अच्छे तरीके से समझा दिया है कि मतलब हमारा बेसिक भी डेवलप बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 1995 के क्वेश्चन हैं, फिर 1998 के हैं, इस तरफ भी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये एज ए मतलब अब बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन की। 2014 में आया कौन से क्वेश्चन, अब अगर इधर बात करें तो देख रहे हैं आप 2020 में ये क्वेश्चन इतने आए हुए हैं एंशियंट हिस्ट्री से। हिंट्स और सोल्यूशन मुझे इसके बहुत अच्छे लगे कि मतलब आपको अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सोल्यूशन आपका क्लियर हो जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं 103 में सी ऑप्शन में इतना अच्छा क्लियर किया है, इतने में मतलब कवर कर दिया बहुत अच्छे। अब मेडिवल हिस्ट्री में बात कर लेते हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री में देखें 1995 के क्वेश्चन पूरे लगे हुए हैं, फिर 6, 7, 8, 1998, 1999, फिर 2019, 2020 एज वेल क्वेश्चन आपको लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसका भी सोल्यूशन है। अब अगर जैसे हम बात कर लेते हैं
जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी की तरफ अगर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं फिज़िकल जियोग्राफी। अब फिज़िकल जियोग्राफी में उसी तरह इसमें भी बताया है कि ए मीटियोर इज़ ए रैपिडली मूविंग स्टार, ए पीस ऑफ मैटर विच हैज़ इंटर्ड द अर्थ एटमोसफियर फ्रॉम आउटर सर्फेस पार्ट ऑफ, मतलब आप देख सकते हैं। अब इसका हम ऑप्शन की तरफ अगर चलें तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से बताया। ए मेटियोर इज़ ए स्मॉल कैलेस्टियल बॉडी विच हैज़ इंटर्ड द अर्थ एटमोसफियर बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वेन दे पास क्लोज टू इट। मीटियोर्स टिपिकली अकर इन द मीजोस्फियर एंड मोस्ट रेंज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम 75 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। मतलब आपको मीटियोर के बारे में पूछा, इन्होंने मीटियोर की पूरी डिफिनेशन दे दी। आपको कहीं और से सर्च करने की जरूरत नहीं, ना गूगल करने की जरूरत है, एक ही जगह आप स्टे करके। और जैसे अब वर्ल्ड जियोग्राफी की बात कर लें, वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी है ये, तो इसमें जैसे मैपिंग का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैपिंग के क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि लास्ट 25-26 ईयर में मैपिंग के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें भी देखिए 2019 तक के इन्होंने दिए हैं। अब उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर भी इन्होंने कवर किया है। फिर अगर हम चलें अब पॉलिटी की तरफ, पॉलिटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसी तरह वही चीज़ है, उसी तरह इसको इन्होंने पॉलिटी को भी कवर कर दिया है। ऑप्शन दिया है, फिर हिंट और सोल्यूशन दे दिया है। फिर इकोनॉमिक्स में अगर चलते हैं तो इकोनॉमी में भी इन्होंने उसी तरह कवर किया। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफिक्स 1995 से 2000 तक के क्वेश्चन इन्होंने कवर किए हैं। ये देखिए आप जैसे देख सकते हैं 2000 तक के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जैसे हम चले हैं, अब मैं आपको ले चलता हूँ जनरल नॉलेज की तरफ। अब जनरल नॉलेज की बात कर लें तो इन्होंने वर्ल्ड पैनोरमा पहले कवर किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक, तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया। फिर कोड आपको जैसे यूपीएससी पैटर्न है जो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3 आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद इसका भी इन्होंने सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। जैसे देखिए वर्ल्ड पैनोरमा 2020 में भी आए हैं क्वेश्चन इसके। और इसको देखिए वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा इसका सोल्यूशन है आपका वर्ल्ड बैंक का, देख सकते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा इसमें बेसिक्स से कवर किया है। जनरल नॉलेज की बात हो गई तो हम चलते हैं। अब देखिए इंडियन पैनोरमा इंडियन भी कवर किया है इन्होंने, इंटरनेशनल भी कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं एशे की तरफ, एशे और मेंस की बात करते हैं। तो यूपीएससी मेंस एशे स्ट्रेटजी एंड पास्ट पेपर्स 2019 तक के इन्होंने दिए हैं। तो ऐसे सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट इन्होंने पहले बता दिया है, ऐसे प्रिपरेशन सोर्स बताया है इन्होंने, और फिर ऐसे की थीम कौन कौन सी है, मतलब आप थीम कौन कौन सी कवर करके एग्ज़ाम में जाएं। और उसके जैसे हम लोग कोर्स बनाते हैं, तरह तरह के चीज़ सर्च कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन साइंस, इंटरनेशनल इशूज़ एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, कोर्ट बेस्ड फिलोसफी एंड एथिक्स। तो ऐसे राइटिंग स्ट्रेटजी इन्होंने अब बता दिया है। ऐसे टॉपिक वाइज लास्ट 26 ईयर्स के क्वेश्चन, मतलब टॉपिक वाइज कौन कौन से आए हैं, तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के आप देख सकते हैं, ड्रीम शुड नॉट येट इंडिया स्लिप 2015 में आया है ये क्वेश्चन, हाउ फार हैज डेमोक्रेसी इन इंडियन डिलीवर्ड द गुड्स 2003 में आया है, फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी के कौन कौन से टॉपिक आए हैं, तो 2017 में आया, 2005 में आया, 2004 में आया, 1997 में आया। इकोनॉमी डेवलपमेंट के कौन से टॉपिक से क्या ऐसे बना है, एजुकेशन से क्या ऐसे बना है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी से कौन सा ऐसे बना है। अब हम आ जाएं मेंस की स्ट्रेटजी पे, तो मेंस की टॉपिक वाज मेंस जनरल पेपर के 2003 तक का, 2013 से 2019 तक का कवर किया इन्होंने। मेंस राइटिंग बाय मृणाल सर, बेसिक रूल्स फॉर फॉर्मल इंग्लिश के लिए इन्होंने रूल्स बता दिया, गिव फुल फॉर्म बिफोर एब्रीविएशन, मतलब इन्होंने एब्रीविएशन यूज़ करने का तरीका बताया, अवॉइड रैंडम कैपिटलाइजेशन, मतलब तरीका इन्होंने बताया है ओवरऑल अगर देखा जाए। तो अब आप देख सकते हैं जैसे GS1 की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, जैसे हिस्ट्री है मैंने टिक किया है, फ्रीडम स्ट्रगल से 2013 में 30 मार्क्स का आया, 14 में 30 मार्क्स, 15 में 25 मार्क्स। तो अगर देख लें 2019 में 50 मार्क्स का इस टॉपिक से आया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 2013 में 50 मार्क्स का आया था, उसके बाद ये जीरो है, आज तक नहीं आया इससे।
तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल जाता है कि किस टॉपिक से कितना ऑन एन एवरेज मार्क्स का पेपर आ रहा है। सोसाइटी की बात कर लें तो आप देख सकते हैं मेरे में टिक है जिसमें से ज़्यादा मार्क्स का आया है। क्लाइमेट में देख सकते हैं 55 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद इन्होंने सिलेबस दे दिया है कि क्या क्या सिलेबस है, आर्ट एंड कल्चर का, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस का क्या क्या सिलेबस मतलब क्वेश्चन है, फिर वर्ल्ड जो हिस्ट्री का क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, फिर उसी तरह इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसे GS2 का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो लेजिस्लेचर एंड इलेक्शन से 30 मार्क्स का आया है 2019 में सबसे ज़्यादा। फिर पॉलिटी से आया है मतलब बॉडीज़ 25 मार्क्स का, नॉन नेबर्स एंड डायपोरा उधर से आया है, फेडरलिज्म से। फिर इसी तरह इन्होंने आगे बढ़ाया है GS3 की और गवर्नेंस एंड ग्रुप। GS3 में देखिए आप देखें बजट से कितने क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है मेंस में। क्रॉपिंग से 45 मार्क्स का आया था 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। साइंस एंड टेक से आया था 25 मार्क्स का, डिजास्टर मैनेजमेंट से आया 35 मार्क्स का, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीम से आया 25 मार्क्स का। तो 2015 देख रहे हैं आप, इन्होंने फिर सिलेबस कवर कर दिया है, इन्वायरमेंट का सिलेबस बता दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बता दिया है। अब अगर हम बात कर लें एथिक्स पेपर जो कि हमारा GS4 है, तो थिंकर्स पार्ट जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है 30 मार्क्स का आता है थिंकर से आया था। थ्योरी एंड डिलेमा से 40 मार्क्स, कोड ऑफ कंडक्ट 40 मार्क्स, करप्शन से 40 मार्क्स, इस तरह कवर होते हैं टॉपिक वाइज। आपको इन्होंने मतलब अच्छा लगा, मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से लगा। बस और तो इसमें कुछ नहीं है, ये बुक बहुत ही अच्छी है। सेल्फ स्टडी से अगर आप मतलब ये आपको टॉपिक वाइज पूरा कवर कर देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिवीजन ला देता है। एक फ्लो बहुत ही अच्छा है, इस समय बहुत ज़रूरी है ये बुक रखना। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।